सो गाइस चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं वन प्लस नॉर्ड 3 के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ महीने से इस फोन को लेकर अलग अलग तरह के लीक सामने निकल के आ रहे थे, बट फाइनली अब इस फोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई है। ये जो फोन होगा दोस्तों, ये पहले चाइना में वन प्लस एस टू वी के नाम से लॉन्च किया जाएगा एंड उसके बाद इंडिया और ग्लोबल मार्केट में ये फोन लॉन्च होने वाला है। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स क्या क्या होंगे, किस प्राइस पे इसको इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और कब लॉन्च किया जाएगा, इन टोटल सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो ये जो फोन है ये ग्लास बैक के साथ आएगा और इसके प्रीवियस मॉडल से इसका डिजाइन कम्प्लीटली चेंज रहेगा। स्पेशली कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट में डुअल रिंग कैमरा वाला डिजाइन देखने को मिलेगा। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे प्लास्टिक का होगा या फिर मेटल का, ये चीज अब तक कंफर्म नहीं हुई है, बट इसका जो फ्रेम होगा वो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, जिसकी वजह से इसका डिजाइन काफी प्रीमियम सा लुक देता है। और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिल जाएंगे। सेंटर पंच होल डिस्प्ले होगा, टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे पतले नजर आएंगे और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग होने वाला है, डिजाइन और लुक्स वाइज आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.72 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा। फ्लूड एमोलेड वाला ही पैनल रहेगा बट ये 1.5K रेजुलेशन वाला डिस्प्ले होगा, जहां पे 1.07 बिलियन कलर्स के सपोर्ट भी देखने को मिलेंगे और डेफिनेटली यहां पे HDR 10 प्लस वगैरह का सपोर्ट मिलेगा। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर काफी अच्छे निकल के आएंगे। बेजल लेस डिस्प्ले होगा तो जब भी आप कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस यहां से अच्छा रहेगा। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों ये डिस्प्ले काफी स्मूथ और ब्राइट भी होगा, क्योंकि यहां पे 120 हर्ट्ज़ के फास्ट रिफ्रेश भी देखने को मिलेंगे एंड 1415 निट्स की पिक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफी अच्छी होने वाली है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 वाला प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि मीडियाटेक का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, काफी पावरफुल है। 3.05 गीगाहर्ट्ज़ की क्लॉक स्पीड पे ये प्रोसेसर रन करता है और 9.5 लाख से भी ऊपर ये एंटूटू स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल मक्खन के जैसा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो लोग हैवी गेमिंग करना पसंद करते हैं, लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हैं, उसके लिए भी ये फोन काफी अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए इस फोन के अंदर UFS 3.1 के स्टोरेज देखने को मिलेंगे एंड LPDDR 5X वाला RAM भी होगा। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन Android 13 के ऊपर आएंगे एंड चाइना में जब लॉन्च होगा तो ColorOS 13 के ऊपर रन करेगा और जब ये फोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तब ये OxygenOS 13 के ऊपर रन करेगा। अब गाइज अगर हम बात करते हैं इस फोन के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में तो गाइज इस फोन के अंदर 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए इस फोन के अंदर 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आएगा, यहाँ पे आपको NFC के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। 3.5mm जैक एंड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट यहाँ पे नहीं होगा बट यहाँ पे स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलेंगे और वन प्लस की जो पहचान है उसका अलर्ट स्लाइडर बटन, वो चीज इस फोन के अंदर भी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों हैवी यूसेज के दौरान फोन को ठंडा रखने के लिए इस फोन के अंदर आपको वेपर कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिलेंगे और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी होगा। खैर अब दोस्तों अगर हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो गाइस इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, जहां पे आपको OIS के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और इस सेंसर से आप मैक्सिमम 30 एंड 60 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। दूसरा एंड तीसरा सेंसर यहाँ पे 8 और 2 मेगापिक्सल का होगा, जो कि अल्ट्रा वाइड एंड माइक्रो सेंसर होंगे और 16 मेगापिक्सल का यहाँ पे सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से डिसेंट होगा, मैं इसे बहुत अच्छा नहीं कहूंगा तो बहुत खराब भी नहीं कहने वाला। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि इस फोन को 8GB 128GB एंड 16GB 512GB के सिर्फ और सिर्फ दो मॉडल में लॉन्च किया जाने वाला है। जो बेस मॉडल रहेगा 8GB 128GB, उसकी प्राइस चाइना में मेरे हिसाब से 30,000 के अराउंड रखी जा सकती है और जब ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा तो पॉसिबली इसकी प्राइस 30,000 to 35,000 के बीच लॉन्च किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप इस फोन की प्राइस को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों अगर इसके इंडिया लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो इसके इंडिया लॉन्चिंग को लेकर अब तक कुछ भी कन्फर्म नहीं किया गया, लेकिन 7 मार्च को ये फोन चाइना में लॉन्च होने वाला है, यानी कल ये फोन चाइना में लॉन्च हो जाएगा एंड उसके बाद जो थोड़े बहुत लीक सामने निकल के आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फोन अप्रैल या फिर मई के में इंडिया में लॉन्च होता देखने को मिलेगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।